ये लाइन उन्होंने लिखी और पूरी दुनिया में फैलाई कि एक मिनट की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। ये हो नहीं सकता कि आदमी कभी भी इतना कैपेबल हो जाए कि 4 मिनट के अंदर वो 1 मील क्रॉस कर सके। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आदमी इतना सक्षम हो जाए शारीरिक रूप से कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले खत्म कर दे। लेकिन किसी बेवकूफ ने बात सुनी नहीं और निकल के आए रॉजर बेनेस्टर, और रॉजर बेनेस्टर ने 4 मील की यात्रा 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिलीसेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में जो चीज कभी नहीं हुई थी रॉजर बेनेस्टर ने उसको प्रूव किया कि नहीं, असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पूरे अखबार पूरे किताबें छप गई इनके नाम से कि रॉजर बेनेस्टर ने वो कर दिया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, और ब्रिटिश ओलंपिक का जो कोच था उसको झूठा साबित कर दिया, जो अपने आप में कहा जाता था कि महानतम कोच में से एक है, और ये क्लेम करता था कि मानव के अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई आज तक कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कर सके। दोस्तों जब भी कोई बात कही जाती है बड़ी प्रमाणिक तौर के साथ तो बाकी सब लोगों में संशय होना स्वाभाविक होता है कि ये अब असंभव हो गया, ये हो नहीं सकता, और तब तक नहीं हुआ जब तक एक व्यक्ति ने नहीं किया। रॉजर बेनेस्टर निकल के आए 1954 के अंदर और 1954 के अंदर उन्होंने वो कीर्तिमान बनाया। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1954 तक ये असंभव था कि कोई व्यक्ति 1 मील 4 मिनट से पहले कर सकता था। बहुत लोगों ने ट्राई किया, फेल हो गए, ट्राई किया फेल हो गए, ट्राई किया फेल हो गए, ट्राई किया फेल हो गए, क्योंकि मस्तिष्क में एंड्रयू स्ट्रॉस गूंजते थे, वो मस्तिष्क के वो ब्रिटिश का जो कोच था उसके दिमाग में बातें गूंजती थी कि ये तू कर नहीं सकता जिस काम के लिए तू करना चालू किया। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ठीक इसके 10 बरस के बाद 1964 के अंदर स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रियोन करके इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ के भाग गया आगे। वो इसके रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया, जो 3.59.4 था वो 3.59 तक रह गया। स्कूल जाने वाले लड़के ने 10 साल के बाद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पे दौड़ा तो उसके मस्तिष्क में वो ओलंपिक का जो कोच था उसका बात दिमाग में नहीं था, उसके मस्तिष्क में था कि रॉजर बेनेस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इफ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2963 वनडे लग गए पहले डबल सेंचुरी मारने के लिए सचिन तेंदुलकर को। 2963 वनडे खेले जा चुके थे जब तक वनडे इंटरनेशनल में 200 स्कोर नहीं हुआ था। इन दिसंबर फरवरी 2010 सचिन तेंदुलकर ने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 स्कोर किया। पहले सोचा जाता था कि वनडे के अंदर 200 रन एक व्यक्ति बनाइए असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और इसी इम्पॉसिबल दिमाग के थॉट को लेके हर टीम मैदान में उतरती थी 50 ओवर का मैच खेलने के लिए उतरा जाता था। कोई 300 बनाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, कोई 350 टीम कर देती थी तो कमाल हो जाता था, कोई 400 कर देती थी तो और बवाल हो जाता था। हाँ, कोई आदमी सेंचुरी बनाता था नॉर्मल बात थी, 125 बना लेता था, 150 तक पहुंच जाता था। लेकिन ये एक मिथ था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में कोई भी आदमी कभी भी जिंदगी में 200 नहीं कर सकता। और इस मिथ को तोड़ने के लिए दोस्तों 2963 वनडे इंटरनेशनल है, और सचिन तेंदुलकर ने इसको जब 2010 में ब्रेक किया फरवरी के अंदर तो एक आस जगी, एक उम्मीद जगी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे इस घटना के 16 ही महीने के बाद सिर्फ 250 वनडे के गैप के अंदर सहवाग ने इसको भी ब्रेक कर दिया। सिर्फ 250 वनडे लगे, ओनली 250 वनडे मैच। पहला जो मिथ था, जो असंभव था, उसको ब्रेक होने में करीब करीब 3000 वनडे लगे, लेकिन उसी बात को तोड़ने में फिर सिर्फ 250 वनडे में सहवाग ने उसको तोड़ दिया। क्योंकि जब सहवाग या सहवाग जैसे और प्लेयर तेंदुलकर के 200 करने के बाद मैदान में उतरते थे तो उनके मन में दिमाग में एक बात घुसती थी कि एक ने कर दिया है तो दूसरा कर सकता है, इफ वन कैन डू अदर कैन डू। और मैं आपको बता दूं उसके बाद रोहित शर्मा ने दो बार किया, 2 times, क्रिस गेल ने किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया, 6 दोहरे शतक तब से लेकर 2010 से लेकर 2017 तक 6 साल में दोहरे शतक लग गए 6। और पहले की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर 50 साल में एक भी नहीं लगा था, क्योंकि लोगों को लगता था ये असंभव, ये नहीं हो सकता। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता, जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पर चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है।
और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते।